सो गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी पूरा फुल पावर और आज है डे टू। अभी हम लोग है पूर्णिया में और आज का डेस्टिनेशन है नेपाल बॉर्डर और पता नहीं कितना दूर चला पाएंगे आज शाम तक। मतलब आज शाम तक हम लोग बाइक चलाएंगे 5-6 बजे तक और उसके बाद हम लोग स्टे कर जाएंगे। अभी तो सब कुछ रेडी हो चुका है, नीचे चलते हैं फटाफट बाइक को लोड करते हैं सामान और निकलते हैं यहाँ से। तो चलो मिलते हैं आप लोगों के साथ सीधा मोटर लोडिंग सेटअप में। सो आज है डे टू और बाइक का हालत कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, उधर गोप्रो हैंग कर चुका है, अभी तक राइड शुरू नहीं हुआ। अभी जस्ट हम लोग होटल से निकले और पैकिंग कंप्लीट और फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। तो चलो मिलते हैं आप लोगों के साथ रोड पे। आज जाना है हम लोगों को पानी टंकी होकर नेपाल बॉर्डर क्रॉस करना है, उसके बाद शाम तक चलाएंगे जितना हो सके। तो चलो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। चलो आओ বৃষ্টি যেন না হয় আজকে, মানে কালকের মতো অবস্থা। তোমার কিছু হয়নি তো? ওকে ফাইন। সো ভাই সাহেব ট্রিপ কা পহলা ফল ও ভি মেরা। অভি কে হুয়া, ইয়ে বেন্ড হো চুকা হ্যায় অর মিরর গয়া হ্যায়, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, ट्राइपॉड का ये वाला हिस्सा गया। इधर क्या हुआ, रोड ऊबर खबर है तो डिसबैलेंस हो गया, बाइक गिर गया। शुक्र है स्पीड में नहीं था। ओह भाई क्या सीन गया है भाई, क्या सीन गया। तो चलो भोलेनाथ के नाम लेकर निकलते हैं। भोलेनाथ सबके साथ रक्षा करना, ट्रिप अच्छे से निकल देना भोलेनाथ। भैया फोर लेन है ना, लेके भोलेनाथ का नाम शुरू करते हैं राइड। भोलेनाथ अच्छे से निकल देना सब कुछ। गियर लीवर नीचे है, अंदर घुस गया गियर लीवर, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में ठीक करेंगे उसको। अभी एकदम धीरे धीरे से जाना है भाई, इधर बाहर आके कुछ हो गया ना बहुत गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा भी थोड़ा गया हुआ है, बेंड हुआ है, कोई बात नहीं। ओ फिर से ये पानी, रोड का हालत अच्छा नहीं है। पहले मिला था एक तो बारिश हो रहा था, ऊपर से रोड का हालत बाप रे बाप। अभी जाके थोड़ा सही हुआ है, अभी रेन लाइनर उतारा हम लोग और अभी चल रहे हैं, चले हैं, चले 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 डालखुला होके किशनगंज होके पानी टैंकी। सो बहुत देर के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि गोप्रो था अंडर द प्लास्टिक। सूरजपुर टोल प्लाजा, दिन का सेकंड टोल, पहला वाला जो टोल था तब था गोप्रो प्लास्टिक के अंदर, मतलब बारिश हो रहा था। Few moments later. So, भाई
12:30 बजे हम लोग रुके थे चाय पीने के लिए एक ढाबे में, फिर याद आया 12:30 तो बज ही गया तो खाना भी खा लेते हैं, फिर खाना खा लिया। ऐसे करते करते रेस्ट लेते हुए हो गया 2:10 और अभी भी हम लोगों को जाना है 87 किलोमीटर। गूगल के हिसाब से 2 घंटा 8 मिनट लगेगा, मतलब शाम को 4 बजे हम लोग पहुँचेंगे उधर पानी टंकी। सो हम लोग आ रहे थे उस रास्ते से, सो अभी हम लोगों को जाना है इसमें इसके ऊपर, सो आके रास्ता घूम जाता है इधर से। लोकल से पूछा, उन लोगों ने बता दिया यहाँ से घूम जाओ, मैप भी दिखा रहा है। सो चलो यहीं से घूम लेते हैं पानी टैंकी के लिए। सो भाई साहब आज तो ब्लॉग बना ही नहीं मतलब आज ज़्यादा कैमरा ऑन नहीं किया। अभी हम लोग है कहाँ पर, किशनगंज क्रॉस करके ठाकुरगंज के तरफ जा रहे हैं। गूगल के हिसाब से अभी भी 1 घंटा 40 मिनट लगने वाला है हम लोगों को। 67 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है, 4:21 तक पहुँचने का संभावना है। अभी हम लोग है ठाकुरगंज में और मोबाइल पूरा भीग रहा है, चाय का दुकान मेरे को दिख नहीं रहा है कहीं पे जहाँ पर हम लोग रोक सके। चाय की दुकान, चाय की दुकान, चाय की दुकान मिल जा, मिल जा, मिल जा, मिल जा, एक रुकना है भाई। मोबाइल भीग गया पूरा, वाटरप्रूफ नहीं है मोबाइल। बॉर्डर से 30 किलोमीटर पहले है अभी, और रुक गए थे बारिश के लिए। एक काम भी हो गया, जो बेंड था वो भी सही करा लिया, और अभी चलते हैं यहाँ से। 4:21 हो रहा है और यहाँ से दिखा रहा है बॉर्डर 30 किलोमीटर। ओ ओ ओ मैप लगाना पड़ेगा, भूल गया भूल गया भूल गया। तो चले सिलीगुड़ी क्या दार्जिलिंग है 109 किलोमीटर, यहाँ से लेना पड़ेगा हम लोगों को राइट टर्न। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट आ गया और चाय देखने को नहीं मिलेगा, क्या होगा। उस तरफ का चाय का खेती चल रहा है, इस तरफ भी था एक बागान। सो फाइनली हम लोग है अभी पानी टंकी में, और यहाँ से जाना है काकड़भिटा राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में। भाई साहब खतरनाक सा चेकिंग, 15-20 मिनट से खड़े हुए थे उधर, फिर जाके मैडम को बोला मैडम छोड़ दीजिए करके, तो तब जाके बोला ठीक है बाईपास होके निकल जाऊं। आधार कार्ड दिखाया उन लोगों को। सो यहाँ पर चलता है इंडियन आर्मी का चेकिंग, सो कैमरा ऑफ था इसलिए, अभी कैमरा ऑन किया है, अभी थोड़ी देर बाद जाके फिर से ऑफ कर दूंगा, पता नहीं क्या है इधर। सो फाइनली अभी हम लोग है कस्टम ऑफिस में। सो ये पीछे मेरा कस्टम ऑफिस है, ये बन गया बंसर। सो 10 दिन का बंसर बना हुआ है, तो चलो फटाफट से एंट्री लेते हैं और पहले तो रूम ढूंढते हैं, उसके बाद जो करना है करते हैं। तो चलो फटाफट से रूम ढूंढते हैं।
ओ भाई फाइनली फाइनली ओ ये बेबी नेपाल एंटर कर चुके हैं भाई। ओ ओ ओ ओ मिगो। सो यहाँ पर अभी मनी एक्सचेंज करना है और फिर रूम भी देखना है इधर मनी। ओके गाइस, सो कल शाम को 5 बजे हम लोग पहुँच गए थे नेपाल और उसके बाद एनर्जी नहीं था इसीलिए हम लोग फटाफट रूम लेके सो गए थे और आज सुबह नींद से उठा और अभी जाके ये वाला ब्लॉग खत्म कर रहे हैं कल वाला ब्लॉग।